नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवीन ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आपके प्यार और दुआओं के कारण आज नवीन ज्योतिष चैनल में 350 से अधिक वीडियो हैं, 14,000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं, 32 लाख से अधिक व्यूज हो चुके हैं, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरी 7 पुस्तकें प्रिंट हो चुकी हैं, 3 पुस्तकें अंडर प्रिंटिंग है। आपके लिए एक गुड न्यूज है, दिल्ली में लगभग 20 साल से एस्ट्रोलॉजी टीचिंग कर रहा हूं, जिसमें मैं एस्ट्रोलॉजी के अलावा पामिस्ट्री, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, हैंडराइटिंग एनालिसिस, जेमोलॉजी सारे कोर्स करवाता हूँ। मैंने अब मुंबई में एक इंस्टीट्यूट ओपन किया है। यदि आप दिल्ली या मुंबई में एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या पूरे वर्ल्ड के किसी भी सिटी में बैठकर कोरस्पोंडेंस कोर्स या डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करना चाहते हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वो मेरे मोबाइल नंबर 9711079544 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मेरी बुक्स मंगवाना चाहते हैं, तो कंसल्टेंसी फी और कॉस्ट ऑफ बुक्स जमा कराकर बैंक में नीचे दिए लिखे बैंक अकाउंट्स में जमा करा के मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवीन ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। नक्षत्रों की इस सीरीज में आज आपको रेवती नक्षत्र के बारे में बताया जाएगा। नक्षत्र मंडल में रेवती नक्षत्र को 27वां स्थान प्राप्त है। यह मीन राशि के 16:40 से 30 तक होता है। रेवती नक्षत्र का स्वामी ग्रह बुध है। रेवती का अर्थ है धनी एंड प्रतिष्ठित, फेमस। रेवती नक्षत्र का देवता पूषा है। यह सूर्य का ही एक नाम है। रेवती नक्षत्र शूद्र जाति का नक्षत्र है। यह स्त्री नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र कफ प्रदान है। शरीर के अंगों में रेवती नक्षत्र पांव, पेट और जांगे तथा घुटनों को रिप्रेजेंट करता है। रेवती नक्षत्र का चिन्ह 2 मछलियां हैं। रेवती नक्षत्र के तारे ढोल की आकृति बनाते हैं। रेवती नक्षत्र की दिशा नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट है। रेवती नक्षत्र का संबंध आत्मज्ञान व मोक्ष से माना जाता है। रेवती नक्षत्र को सात्विक नक्षत्र माना जाता है। रेवती नक्षत्र के जातक बहुत ईमानदार होते हैं। ये जातक धार्मिक होते हैं, अंधविश्वासी भी बहुत होते हैं, क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं। ये जातक कवि या ज्योतिष या सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाते हैं। रेवती नक्षत्र गण मूल का नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र के जातक सुंदर व अट्रैक्टिव होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, हसमुख होते हैं, मिलनसार व अच्छे स्वभाव के होते हैं। ऐसे जातक आध्यात्मिक होते हैं, जीवन में हमेशा प्रोग्रेस करते हैं। रेवती नक्षत्र एक बैलेंस्ड नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र में नाम के अक्षर दे, दो, चा, ची होते हैं। रेवती नक्षत्र की योनि गज है। रेवती नक्षत्र के भी 4 चरण होते हैं। पहला चरण, रेवती नक्षत्र का पहला चरण मीन राशि में 16:40 से 20 तक होता है। गुरु के
धनु नवांश में पड़ता है। ऐसे जातक उदार व परोपकारी होते हैं। ये लोग बहुत खुश मिजाज होते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। नेक्स्ट, रेवती नक्षत्र का दूसरा चरण मीन राशि के 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक शनि के मकर नवांश में पड़ता है। ऐसे जातक बहुत व्यवहार कुशल होते हैं, लेकिन हर बात में बहस जरूर करते हैं। नेक्स्ट, रेवती नक्षत्र का तीसरा चरण मीन राशि के 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक शनि के कुंभ नवांश में पड़ता है। ऐसे लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, गंभीर किस्म के लोग होते हैं। फोर्थ, रेवती नक्षत्र का चौथा चरण मीन राशि के 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक गुरु के मीन नवांश में पड़ता है। इस चरण में जन्मे जातक काल्पनिक दुनिया में रहते हैं। इस चरण में स्थित ग्रह वर्गोत्तम ग्रह होते हैं। रेवती नक्षत्र के जातक डॉक्टर, कलाकार, चित्रकार, एक्टर, कवि, ज्योतिष या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाने वाले, मॉल्स का निर्माण करने वाले होते हैं। अच्छे मैनेजर हो सकते हैं, धार्मिक संस्थाओं का निर्माण करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट से भी धन कमाते हैं। रेवती नक्षत्र को सात्विक नक्षत्र माना जाता है। ये देवगण नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र को शुभ परिवर्तन लाने वाला नक्षत्र माना जाता है। इसका राशिपति देव गुरु बृहस्पति है। इस नक्षत्र में जन्मा जातक बहुत परोपकारी, उदार, ईमानदार माना जाता है। रेवती नक्षत्र में विवाह करना, विद्या अध्ययन करना, ट्रैवलिंग करना, वाहन खरीदना या कोई भी नया कार्य करना शुभ माना जाता है। रेवती नक्षत्र में कोई भी क्रूर कार्य करना नहीं चाहिए। सर्जरी करना या लड़ाई झगड़ा करना भी नहीं चाहिए। रेवती नक्षत्र के शुभ फल प्राप्त करने के लिए विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। नमस्कार।